बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मुख्तलिफ सब्ज़ियों फ्रूट्स के हवाले से अपडेट देंगे और देखते हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद सब्ज़ी मंडी में कौन कौन सी सब्ज़ियों के रेट में जो है इजाफ़ा हुआ है और कौन कौन सी सब्ज़ियों और फ्रूट्स के रेट में जो है ना कमी आई हुई है, इस हवाले से बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन दोस्तों से गुजारिश है कि डेली बेस पर अपने आप को सब्ज़ी मंडी के तमाम होलसेल प्राइस सब्जियों और फ्रूट्स के प्राइसेस के हवाले से अपने आप को अपडेट रखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं कि इस वक्त तो मुख्तलिफ सब्ज़ियों के क्या क्या रेट चल रहे हैं। ये है प्याज, बातर मोड़ के इलाके का है और इसका रेट इस वक्त इस्लामाबाद सब्ज़ी मंडी में 330 रुपये का 5 किलो चल रहा है। अच्छी क्वालिटी का प्याज ये आप देख सकते हो, स्पेशल प्याज। और जो नॉर्मल प्याज है यानी छोटा मोटा जिसमें हर किस्म का क्वालिटी हो, मतलब दर्जे दोम का हो, तो उसका रेट जो है 300 रुपये है किलो, 300 रुपये के 5 किलो हैं यानी 60 रुपये किलो। और इस वक्त इस्लामाबाद सब्ज़ी मंडी में ये पेप्सी आलू है, पेप्सी आलू का जो रेट चल रहा है इस वक्त 230-40-50 रुपए तक जो है ना 5 किलो चल रहा है, यानी जो आप स्पेशल क्वालिटी बिल्कुल अपने मर्ज़ी के मुताबिक एक एक दाना चांटी पर लेके जाओगे 250, वैसे मिक्स जो है 230 रुपए के 5 किलो रेट चल रहा है। अभी जो है ग्रीन वेजिटेबल्स के हवाले से आपको अपडेट दे देते हैं कि इस वक्त तौल्ला के स्टाल पर हम मौजूद हैं, देखते हैं कि क्या रेट चल रहा है। तौल्ला भाई फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो अभी आपको फिर बता देते हैं। मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ पड़ी हुई है, फ्रेश वेजिटेबल हैं। ये है शिंगरी मिर्ची, एक होता है देसी मिर्ची, एक दूसरा एक और अकसाम, तीन चार अकसाम के आजकल आ रहे हैं। और ये वाला शिंगरी मिर्ची जो है रेट इसका थोड़ा कम हुआ है बनिस्बत कल के, आज का जो इसका रेट है 500 रुपए का 5 किलो है। और जो देसी मोटी मिर्ची है उसका 450 उसका भी चल रहा है, लेकिन वो 400 से लेकर 500 के रेंज में, और इसका 500 ही रेट है। और करेले का आज का रेट जो है 60 रुपये किलो यानी 300 रुपये का 5 किलो। और गोल बैंगन जो है अच्छे क्वालिटी वाला वैसे 300 रुपये का 5 किलो है, नॉर्मल जो है 250 रुपये का 5 किलो है। और शिमले का क्या रेट चल रहा है, शिमला जो है 350 रुपये का 5 किलो चल रहा है यानी 70 रुपये किलो। और बीन का क्या रेट चल रहा है, बीन 700 रुपये का 5 किलो चल रहा है। बीन का रेट जो है थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है, वैसे पहले कल और परसों जो इसका रेट चल रहा था 500-600 था, और आज 700 रुपये का जो है 5 किलो चल रहा है यानी 140 रुपये किलो। और गोल कद्दू का क्या रेट चल रहा है, गोल कद्दू का रेट 400 रुपये चल रहा है, इसके रेट में भी इजाफा हुआ है यानी पहले जो था ये 200 रुपये का 5 किलो था, 250 रुपये का, और आज 400 रुपये का 5 किलो हो गया। और लौकी का क्या रेट चल रहा है, लौकी के रेट में भी इजाफा हुआ यानी ज़्यादातर सब्ज़ियों के रेट में जो है इजाफा हुआ है, सिर्फ मिर्ची का मेरे ख्याल में रेट कम हुआ है। ये भी 400 रुपए का 5 किलो बता रहा है यानी 80 रुपए किलो। और माड़ू का रेट क्या चल रहा है, माड़ू के रेट में भी इजाफा हुआ है, माड़ू वैसे 100-150 रुपए का मिल रहा था और आज जो है 300 रुपए का 5 किलो है। और तोरी क्या रेट चल रहा है, तोरी जो है 250 रुपए का रेट, इसका वही रेट है यानी पिछले हफ्ते जो रेट चल रहा था वही रेट है यानी 250 रुपए का 5 किलो। और देसी तोरी क्या रेट है, 300 रुपए का 5 किलो, उसके रेट में भी कोई इजाफा और कमी नहीं हुई है। और भिंडी का क्या रेट चल रहा है, भिंडी का रेट 200 रुपए का 5 किलो, 150 से बढ़ के 200 हो गए यानी पहले जो है 30 रुपए किलो था, आज 40 रुपए का 5 किलो है, 40 रुपए किलो है यानी 200 के 5 किलो। और अरवी का क्या रेट है, अरवी के रेट भी है वही बरकरार है यानी 500 रुपए के 5 किलो, 100 रुपए किलो। और अचारी आम 300 रुपए का 5 किलो, अचारी आम 50 रुपए कम हुए हैं यानी 60 रुपए किलो हो गए, पहले 70 का था। और गाजर क्या रेट चला है, चाइना गाजर भी वही रेट है 400 रुपए का। और टिंडा गोल्ड टिंडा दोनों 700-700 रुपया, टिंडे के रेट में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है, वैसे देसी के टिंडे का तो 700 ही रेट था, दूसरे के जो है 500 था 700 गए। और लंबा बैंगन क्या रेट चले, शाबर 250 रुपये का शाबर, 150 से बढ़ के 250 हो गया, 6 किलो वजन है, 4 किलो 4.5 किलो। और ये कीरे का शाबर कितने का है, 300 रुपये, अफगानिस्तान वाला 308 किलो, 7 किलो वजन, अच्छा जी। और बन गोभी सौ 500 रुपये का, अच्छे वाला नॉर्मल 400। अदरक जो है 900-1000 रुपये का 5 किलो है यानी 180 से लेकर 200 रुपये तक किलो चल रहा है। और लहसुन का रेट, तो सिपाही लहसुन का क्या रेट चल रहा है, लहसुन का तो हमारा अपना रेट है यार, अच्छा जी क्या रेट है, 1200 रुपये का 5 किलो चला रहे हो। और नींबू क्या रेट चला रहे हो, तो सिप भाई नींबू का क्या रेट है, 1200 है लेकिन 1000 रुपये भेज, 1000 रुपये का 5 किलो दे रहे हो।
पुदीना जो है 50 रुपये दर्जन है, सलाद के पत्ते भी 50 रुपये दर्जन। पालक जो है इस वक्त मौजूद नहीं, उन्होंने ख़त्म किया, ये जगह आप देख सकते हैं यहाँ से ख़त्म हो गया। और पालक का जो रेट चल रहा है यानी 100 रुपये के 5 गिड़ी, कुल्फा भी 100 रुपये के 5 गिड़ी। मटर का आज का रेट जो है 800 रुपये का 5 किलो है, अच्छी क्वालिटी वाला। नॉर्मल का क्या रेट चल रहा है? नॉर्मल आज पड़ता है 700 रुपया, और अच्छे वाला जो है 800 रुपये का 5 किलो। और ये कौन से इलाके से आते हैं आजकल? छिलास वाला, छिलास यानी गिलगित बल्तिस्तान के इलाके से आते हैं। फूल गोभी का आज का रेट जो है 250 से लेकर 300 रुपये तक 5 किलो मिल रहे हैं। और आज अच्छे क्वालिटी के टमाटर का रेट जो है 300 रुपये का 5 किलो चल रहा है। वैसे नॉर्मल का क्या रेट चला है? 200-250 रुपये। और पेठी का क्या रेट चल रहा है आपके पीछे जो? 450 अच्छे वाला, ये 450-450 रुपया। सफ़ेद आलू आप देख सकते हैं, सफ़ेद आलू का रेट जो है 150 रुपये का 5 किलो है यानी 30 रुपये किलो। केले का रेट जो है 120 रुपये दर्जन चल रहा है यानी 100 से लेकर 120 तक।